समुद्र की गहराई में कौन सा दानव छुपा है ये आप जानते? और क्या समुद्र इतना गहरा होता है कि उसके अंदर आधी धरती भी समा सकती है? दोस्तों, धरती पर समुद्र को सबसे खूबसूरत और भयानक जगह माना जाता है, जहां आपको एक साथ कई तरह के एक्सपीरियंस महसूस करने का मौका मिल सकता है। समुद्र की दुनिया जितनी रंगीन है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, और इस जगह पर कई तरह के भयानक जीव भी पाए जाते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र की उसी भयानक दुनिया में ले चलते हैं, जहां तक पहुंच पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, समुद्र में ही 200 मीटर की गहराई तक जीवन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जहां आपको विभिन्न प्रजाति के रंगीन जीव देखने को मिल जाएंगे। इस जगह पर सूरज की रोशनी काफी ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से जलीय पेड़ पौधों को खाना बनाने और ऑक्सीजन तैयार करने में काफी आसानी होती है। इसी तरह समुद्र में 400 मीटर की गहराई में सूरज की रोशनी काफी धुंधली हो जाती है, जहां कुछ खास प्रजाति के जीव और जलीय पेड़ पौधे विकसित होते हैं। वहीं 500 से 1000 मीटर की गहराई में समुद्री पानी का रंग बिल्कुल काला हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, और इसी वजह से उस जगह पर बहुत ही कम जीव रहते हैं। इन जगहों पर खाने और जलीय पेड़ पौधों की भी कमी होती है, जबकि यहाँ रहने वाले जीव अपने शरीर से धीमी लाइट विकसित करने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि इतनी गहराई में रहने वाले जीव अपने शरीर से विकसित होने वाली लाइट के दम पर गहरे पानी में तैरते हैं और खाने की तलाश करते हैं, जबकि कई बार खाने के लिए पानी में ऊपर तैरने लगते हैं। समुद्र में कुछ जगह ऐसी भी है जो किसी गहरी खाई के समान लगती है, और उनका आकार अंग्रेजी के वी शब्द की तरह होता है। समुद्र में धरती के सबसे गहरे स्थान को मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, जहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई इंसान इस जगह पर उतर जाए तो भारी दबाव की वजह से उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के खतरनाक और गहरे स्थान पर जलीय जीवन पनपता है, जहाँ कुछ खास प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में जापानीज जायंट स्पाइडर, बिग रेड जेलीफिश और फिश द जायंट स्क्वीड, वैम्पायर स्क्वीड और ग्रीनलैंड शार्क का नाम शामिल है, जिनका आकार दूसरे जलीय जीवों के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इस गहरे स्थान में ना तो धूप पहुंच पाती है और ना ही खाने पीने के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पाए जाने वाले जलीय जीवों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। इतना ही नहीं, ये जीव शारीरिक रूप से बहुत ही ताकतवर होते हैं, जो एक ही हमले में किसी भी इंसान या जीव को मौत के घाट उतार सकता है। समुद्र की गहराई में पानी का दबाव भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन जीवों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस स्थान पर रहने वाले जीव मुख्य रूप से मरीन स्नो पर निर्भर करते हैं, जिससे उनकी भूख आसानी से मिट जाती है। दरअसल ये स्नो समुद्र में ऊपरी हिस्सों में रहने वाले जीवों और जलीय पौधों के मृत अवशेष होते हैं, जो सड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, और ये अवशेष पानी में बर्फ की तरह महसूस होते हैं। इन गहरे स्थानों में रहने वाले बहुत से जीव सिर्फ मरीन स्नो पर ही निर्भर रहते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को कुछ इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो मांस के टुकड़ों के बजाय ऊपर से नीचे गिरने वाले अवशेषों को खाकर जिंदा रहते हैं। हालांकि गहरे समुद्र में रहने वाले सभी जीव इस तरह से अवशेषों को खाकर जिंदा नहीं रहते, और ना ही मरीन स्नो रोजाना होती है, जिसकी वजह से इन जीवों को जिंदा रहने के लिए शिकार भी करना पड़ता है। गहरे समुद्र में रहने वाले बड़े जीव उन जीवों को खाना पसंद करते हैं जो मरीन स्नो को खाकर गुजारा करते हैं। हालांकि इस जगह पर भोजन की इतनी कमी होती है कि बड़े शिकारी जीवों को रोजाना शिकार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से शिकारी जीवों को अक्सर पानी में ऊपर की तरफ आना पड़ता है। ऐसा ही एक जीव है जायंट जापानी स्क्विड, जिसकी शारीरिक लंबाई 13 मीटर और वजन 275 से 300 किलोग्राम तक होता है। ये स्क्विड सिर्फ भोजन की तलाश में गहरे समुद्र से बाहर आता है, जिसकी वजह से साल 2004 से पहले वैज्ञानिकों के पास इस जीव की कोई रियल पिक्चर तक नहीं थी, लेकिन साल 2004 में वैज्ञानिकों को इस विशालकाय स्क्विड की तस्वीर क्लिक करने में सफलता मिली थी, जो दूसरे समुद्री जीवों को अपना शिकार बनाता है। इस स्क्विड को जीवित पकड़ पाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यह जीव पानी में आसानी से नजर नहीं आता है। गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों ने अपने शरीर को कुछ इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो बेहद कम भोजन के साथ ही खुद को जिंदा रख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोजाना शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम जापानी जायंट स्क्विड की बात करें तो इस जीव को रोजाना 30 ग्राम खाने की जरूरत होती है। अगर यह जीव एक टूथ फिश का शिकार करता है तो उसे अगले 200 दिन तक खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी।
इससे ये पता चलता है कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक खाने की जरूरत नहीं होती है। जापान की प्राचीन कथाओं में जायंट स्क्विड का आकार बहुत ही बड़ा बताया जाता है, जो समुद्र यात्रा करने वाले जहाजों पर हमला करता था और अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल करके जहाज में सफर कर रहे इंसानों को अपना भोजन बना लेता था। हालांकि बीतते वक्त के साथ इस जलीय जीव के शरीर का आकार छोटा हो गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका शारीरिक विकास रुक गया है, बल्कि इस जीव ने बदलते समय के साथ अपने रहन सहन और खाने पीने की आदतों में बदलाव किया है। ऐसा नहीं है कि गहरे समुद्र में सिर्फ इस स्क्विड ही रहता है, बल्कि इस जीव को शार्क जैसे खतरनाक जीवों का भोजन बनने का खतरा भी रहता है। दोस्तों, ग्रीनलैंड शार्क को गहरे समुद्र में रहने वाले सबसे विशालकाय जीवों में से एक माना जाता है, जिसकी शारीरिक लंबाई 7 मीटर तक होती है और वजन 1400 से 1500 किलोग्राम के बीच होता है। भले ही ग्रीनलैंड शार्क की शारीरिक लंबाई जायंट स्क्विड से कम होती है, लेकिन ये शार्क ताकत और शिकार करने के मामले में स्क्विड से काफी तेज होती है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड शार्क अक्सर अपने भोजन की कमी को पूरा करने के लिए जायंट स्क्विड का शिकार करती है, जो समुद्र के गहरे ठंडे और अंधेरे इलाके में रहना पसंद करती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराई में ठंडे तापमान में रहने वाले इन जीवों का शारीरिक विकास काफी तेजी से होता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे माहौल में रहने में कोई कठिनाई नहीं होती है। खास तौर से शार्क जैसे जीव ठंडे और गहरे पानी में रहकर अपने शरीर में खास ताकतों को विकसित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वह लंबे समय तक जीवित रहती है और इनका जीवन काल 272 से 300 साल तक होता है। वहीं कुछ शार्क 500 साल तक जिंदा रहने की काबिलियत रखती है, जिसकी वजह से उन्हें धरती पर सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। ग्रीनलैंड शार्क को भी रोजाना खाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म रेट काफी स्लो होता है और एक बार भोजन करने के बाद ग्रीनलैंड शार्क को अगले कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि गहरे और अंधेरे समुद्र में रहने की वजह से ग्रीनलैंड शार्क की आंखें बीते वक्त के साथ कमजोर होती जाती है और जिसकी वजह से उन्हें दूर की चीज हो या किसी जीव को देखने में परेशानी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रीनलैंड शार्क को समुद्र की गहराइयों में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने आप को इस माहौल में जिंदा रखने के काबिल कर लिया है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराई में सिर्फ ग्रीनलैंड शार्क और जायंट स्क्विड ही नहीं रहते, बल्कि इस जगह पर ऐसे रहस्यमय जीव भी है जो अब तक हम इंसानों की नजरों में आने से बचे हुए हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराई में यानी मारियाना ट्रेंच में आज भी धरती की सबसे बड़ी दानव मछली रहती है, जिसे मेगालोडोन नाम से जाना जाता है। इस मछली का शारीरिक आकार बहुत ही विशाल होता था, जबकि उसका जबड़ा इतना चौड़ा होता था कि वह किसी भी विशालकाय जीव को अपने जबड़े में दबोच सकती है। कहा जाता है कि मारियाना ट्रेंच की गहराई में ये मछली आज भी फल फूल रही है, जिसकी कुछ धुंधली तस्वीरें और वीडियो वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि इन तस्वीरों और वीडियोस में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस गहरे समुद्र में बहुत से रहस्यमय जीव पाए जाते हैं, जिनकी खोज अभी होना बाकी है। तो दोस्तों, ये थे गहरे समुद्र से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।